वेलकम टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी तैयार क्यों हो रखी हूँ। एक्चुअली हम लोग कहीं पार्टी में जा रहे थे, छोटी सी कोई पार्टी थी गेट टुगेदर की, तो अभी तैयार हुई हूँ मैं। मैंने ये सिल्क की साड़ी पहनी है, ये है इसका जो बॉर्डर है पिंक कलर का, बहुत ही प्यारी मुझे और मुझे मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है ये साड़ी। एक्चुअली अभी हम लोग सोचे जब तैयार हो ही रखे तो साथ के साथ आपको भी दिखा दूँ मैं कैसी लग रही हूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और काफ़ी टाइम बाद पहनी साड़ी। एक्चुअली साड़ी बहुत मुश्किल होती है मुझे पहनना, बहुत ज़्यादा ही क्योंकि हैबिट नहीं है पहनने की। और जो कई लोग होते हैं कि बड़ी जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बड़ी अच्छे से साड़ी पहन लेते हैं, बहुत अच्छी करते, तो एक्चुअली मैं ज़्यादातर जो मेरी सारी जो साड़ियाँ हैं शिफॉन उफॉन की, सारी सिल्क की साड़ियाँ ही मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये बहुत पसंद है। इसका जो आप देख रहे होंगे ये बॉर्डर सारा, इसका ये जो बॉर्डर है सारा सिल्क में है, गोल्डन में है, मुझे बहुत पसंद है। ऐसे मेरे पास ये 7-8 साड़ियाँ होंगी। मैं जो सारी जो मेरा जो कलेक्शन है सारी सेम साड़ी का है, मेरी प्रीवियस वीडियो में ज़रूर रहेंगे। अगर आपने देखना होगा तो मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक डाल दूंगी मैं अपना, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी मैं जो है ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, नेक्स्ट ब्लॉग जो मैं थोड़ी देर बाद करती हूँ। अभी ये अभी तैयार हुए थे तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ मैं। तो प्लीज़ बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं। अभी सिंपल से ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कर रखा, एक काजल लगाया है, प्राइमर लगाया है और ये शुगर की लिपस्टिक लगाई है मैंने और एक बिंदी मांग भरी है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जैसे छोटी स्मॉल पार्टीज होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्वेलरी मतलब कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती, एक अपना एक छोटा सा मंगलसूत्र लगा लीजिए, पहन लीजिए। और आपके पास अगर ईयरिंग्स है तो बड़े बड़े पे, जब आपसे बात करते करते कोई कॉल आ गई थी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो चलिए फिर आगे का जो प्रोसेस है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। हो सकता है आज व्लॉग जो है मेरा कंटिन्यू ना कर सकूँ। अभी इवनिंग में हम लोग कहीं मार्केट भी जा रहे हैं, पहले कुछ गिफ्ट भी लेना है हमने, उसके बाद हम लोगों को जो पार्टी में वहाँ जाना है। तो हो सकता है व्लॉग कंटिन्यू ना हो सके, नेक्स्ट डे मैं इसको व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। और आप इन एडवांस आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत होली की मुबारक हो और हैप्पी होली। और आप अच्छे से सेफ से होली खेलिए, प्लीज़ ड्रंक बिल्कुल मत कीजिए, ड्रंक होकर मतलब बिल्कुल भी कार मतलब ड्राइव मत कीजिएगा और अपने परिवार के साथ अच्छे से इंजॉय कीजिएगा और हमें भी याद रखिएगा। चलो ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग जो है मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट कंटिन्यू करती हूँ। और जो है मैं डिनर का जो क्या प्रिपरेशन होगी मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी।
फ्रेंड्स, अभी आपके साथ मैंने थोड़ी देर पहले शेयर किया था कुछ घंटों पहले कि हम लोग कहीं जा रहे थे। एक्चुअली अब इस ब्लॉग को एंड करना था, तो मैंने साथ के साथ मैंने जो है डिनर की भी प्रिपरेशन कर दी है। तो वहाँ पर सिर्फ स्नैक्स वगैरह ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा पार्टी थी, छोटी गेट टुगेदर करके पार्टी थी, तो बस इसी वजह से। और डिनर तो प्रिपरेशन करनी ही थी, तो वहाँ जहाँ कहीं जाते भी हम लोग फंक्शन में, तो वहाँ इतना नहीं खाया जाता है। फिर मैं बच्चों को भी नहीं लेके गई थी क्योंकि वहाँ सारे बड़े ही थे, बच्चों का तो कोई काम नहीं था। तो घर पे अब खाना वाना जो है आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने एक्चुअली डिनर प्रिपरेशन कर दी, उसकी जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी अभी और साथ के साथ। और इस ब्लॉग को एंड करना था, और फिर जो है नेक्स्ट डे के लिए जो मैं मेरा जो रूटीन है फिर वही जो है स्टार्ट हो जाता है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा, प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे कमेंट भी पूछ सकते हैं। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पे जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ आप उसको प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप लोगों के लिए मैं जल्दी आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्लीज़, और आप सबको जो है ऐसे ही सेफ होली, हैप्पी होली इन एडवांस। अभी जब तक होली नहीं आएगी मैं आप लोगों को ज़रूर होली बोलती जाऊंगी, हैप्पी होली बोलती जाऊंगी। और इस टाइम जो है पूरे देश में जो है होली की चकाचौंध लगी हुई है। अभी मैं बाहर भी, हम मार्केट भी जा रहे थे, तो बड़ा डर डर के जा रहे थे, कपड़े जो पहने थे कहीं वो गंदे ना हो जाए इस वजह से कि कोई हम पे कलर ना फेंक दे, क्योंकि अभी भी जब बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हो रहे, जिनके लास्ट लास्ट एग्ज़ाम है, वो पूरे कलर पूरे रंगीन होकर आ जाते हैं, तो उनको देख के अपने ना बचपन की मेमोरीज याद आ जाती है कि हम भी कभी ऐसे बच्चों की तरह खेल के आया करते थे। आज जब हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि कैसे गंदे बने हुए, मगर हम अपना टाइम भूल जाते हैं कि कितना अच्छा था वो पल जब हम स्कूल में खेल के आते थे, कॉलेज में आते थे करके सारा। तो ऐसे बातें तो हमारी चलती रहेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक, इस ब्लॉग को जो एंड करना था, क्योंकि देखिए मैंने अभी सिर्फ कपड़े बदले, अभी मेकअप भी रिमूव कुछ भी नहीं कर रखा है, अपना सारे जो भी बाल है अभी सारे बस मैंने इसको टाई कर रखा है अभी, और भी सारा ये रिमूव करना है। इयररिंग्स मैंने उतार दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होते तो कान में बड़ी दर्द हो जाती है। थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पहन पाती हूँ, छोटे छोटे इयररिंग्स ही मुझे अच्छे लगते हैं। और अभी फेस वॉश करना है, मैंने सारा ये करना है। तो अगला जो ब्लॉग है मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, आपके लिए रेडी करूँगी मैं, तब तक के लिए बाय। डिनर में मैं जो आज बनाने जा रही हूँ ये कटहल है, इसे जैकफ्रूट भी कहते हैं। इसके अंदर जो है कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, और ये टेस्टी भी बहुत लगता है। इसमें मैं साथ के साथ आलू भी डालूंगी और इसको भी फ्राई करूंगी, और कटहल और ये दोनों अच्छे बनेंगे। पहले इसको एक लोहे की कढ़ाई पे आपको सरसों का तेल डालना है, और इसको जो है फ्राई करना है। अच्छे से इन्हें फ्राई कर लीजिए, गोल्डन ब्राउन तक कर लीजिए, फिर आप इन्हें निकाल के अलग से इनका मसाला बना के आप इसे जो है तैयार कीजिए। पहले इन्हें फ्राई करना ज़रूरी है। कई लोग इसे कुकर में भी बनाते हैं, एक्चुअली लोग इसे जो थोड़ी सूखी सब्जी की तरह बनाते हैं, इसे कढ़ाई में ही बनाया जाता है। तेल जो है गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं साथ के साथ ये कटहल भी डाल दूंगी। कटहल ब्राउन होने तक इसको मैं ऐसे ही फ्राई करती रहूँगी, ये 5 से 10 मिनट्स में ये जो है हमारे कटहल फ्राई हो जाएंगे। इसके बाद आप देन आलू भी डाल सकते हैं, आलू भी आप फ्राई कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में तड़के में जब हम जो इन सब्जी को डालेंगे ये सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी हमारी सब्जी। ये बहुत ही ज़्यादा फ्राइड सब्जी जो है ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे ऐसे ही फ्राई करते रहिए और देखते रहिए, जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसे इन्हें निकाल लीजिए, मगर इन्हें चिपकने नहीं देना है, इनको बस ऐसे ही लगाते रहिए बार बार। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब आप इसको सारे निकाल लीजिए, और इसकी जो आंच है मीडियम आंच कर दीजिए, और इसके बाद आप आलू भी डाल दीजिए फ्राई होने के लिए इसी तेल में। ये हमारे आलू भी फ्राई हो चुके हैं, ये भी बहुत अच्छा है, इनका कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। साथ के साथ हम इसका मसाला भी अब तैयार कर लेंगे। मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक और हरी मिर्च भी कट करके रख लिए मैंने। आप जब भी तड़का लगाएं आप इसमें सौंफ जरूर डालिए, ये सौंफ का ही इसमें जो है
कटहल में जो टेस्ट और स्मेल आती है बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें सौंफ डालना ना बिल्कुल ना भूलें, ये मेन जो है इसमें सौंफ का ही तड़का लगता है और इसका जो स्वाद है और दो गुना बढ़ जाता है। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इसको मैंने छोटे से नॉनस्टिक में ही बनाया है क्योंकि एक्चुअली हमारे हम ज़्यादा खाने वाले लोग नहीं हैं तो हमारे ये छोटे से इसमें बर्नर में ही बन जाता है और स्वाद अनुसार आप अपने मसाले मिला लीजिए। इसमें कोई नमक मिर्च हल्दी धनिया ज़्यादा इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आप इसमें हल्का सा गर्म मसाला भी मिला सकते हैं और साथ में आप इसमें जो आपने फ्राई की है कटहल की सब्जी वो भी डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी जो ये मसाला है हल्का हल्का सा नीचे लग रहा है जल रहा है तो आप इसमें दो चार बूंद पानी के छींटे भी डाल सकते हैं। रेडी हो चुका है। अब इसमें आप जो फ्राई हमने कटहल और आलू किए थे वो दोनों आप इसमें डाल दीजिए और इसको 5 से 10 मिनट तक ढक के आप ऐसे पका लीजिए और आपकी सब्जी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कैल्शियम से भरपूर है, इसे ज़रूर खाना चाहिए। इसके साथ मैंने दलिया भी बॉयल करने के लिए रख लिया है। फिर जब ये बॉयल हो जाएगा अच्छे से तो मैं फिर इसमें दूध भी मिक्स कर दूंगी। साथ के साथ मैं आटा भी प्रिपेयर कर देती हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं बासी आटा कभी नहीं रखती। जब खाना खाना होता है उसे आधे घंटा 15 मिनट पहले ही मैं आटा को गूंथती हूँ। ये भी मेरा जल्दी से तैयार हो जाएगा। और बच्चों को भूख भी बहुत लग गई है तो इस वजह से थोड़ा फास्ट फास्ट काम करना पड़ेगा। क्योंकि ताजा आटा ही अगर उसी टाइम गूंथा है उसकी रोटियां भी बहुत अच्छी बनती है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। दलिया मेरा बॉयल हो चुका था और इसमें मैंने साथ के साथ दूध भी मिक्स कर दिया है। इसकी जब कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए थोड़ा फिर आप इसमें अपने हिसाब से जो है शुगर मिक्स कर लीजिए जैसा भी आप लोगों को टेस्ट पसंद हो।
एक्चुअली मैं ये दूध वाला चीनी वाला मैं बना वीडियोस। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू।